सोलन के LIC कार्यालय के समीप IPH विभाग के स्टोर में रखी पाइपों में अचानक आग लग गई, जिस कारण विद्युत विभाग के 132 KV डबल सर्विस ट्रांसमिशन लाइन के टावर नंबर 176 को भी खासा नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस के कुछ कर्मचारी किसी और मैटर पे आए होंगे, जो सपरून चौक के लगभग ये LIC ऑफिस के आसपास एक्सीडेंट के, तो यहाँ पे उन्होंने एक ये 132 KV का ट्रांसमिशन लाइन है और ये जो टावर है यहाँ पे कोई आग का इंसिडेंस देखा होगा, तो अकॉर्डिंगली कंसर्न डिपार्टमेंट फायर IPH जिनका स्टोरेज वगैरह है यहाँ पे और फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया होगा, तो हमारे सभी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स थे उनके अधिकारी यहाँ पहुँच गए और जो हमारे फायर के थे कर्मचारी वो यहाँ आए और उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इमिजिएटली पहुंचे और अपना कार्यवाही करते हुए यहाँ जो डंप को सुरक्षित किया और ये जो टावर पे भी जो आग लगी थी उस पे को भी कंट्रोल कर लिया। हाई टेंशन वायर्स है, अगर ये केबल्स वगैरह गिरती तो किसी को जानी नुकसान भी, जो आसपास की पॉपुलेशन है उन सबको भी हो सकता था, पर बाई गॉड्स ग्रेस हम सब लोग यहाँ पे थे, आसपास थे, सारे डिपार्टमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और तत्परता से इसको अर्ली कंट्रोल किया है, तो इस तरह का कुछ भी होने का बंदेशा नहीं है, सब कुछ सेफ है।